हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और आज मैं आप लोगों का शेयर करने वाली हूँ ब्यूटीफुल से खुले बालों के लिए और छोटे बालों के लिए हेयर स्टाइल शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। और मुझे बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं कि मैम आपके बाल बहुत ज्यादा चमकते हैं तो आप क्या यूज करते हो। गाइस मैं कुछ यूज नहीं करती, सिंपली सरसों का तेल यूज करती हूँ एंड हेड एंड शोल्डर शैम्पू से वॉश कर लेती हूँ। अभी मैंने सीरम भी नहीं अप्लाई किया हुआ है। तो अगर कभी कभी जैसे हम लोग वॉश करते हैं बाल तो नीचे की तरफ से, हाँ, जब अगर बालों में साइन चाहिए तो आप बालों को ऑयल करके तभी वॉश कीजिए तो ऑटोमेटिकली आपके बालों में साइन आ जाता है। और उसके बाद जैसे ये नीचे के बालों का जो वॉल्यूम है ये अजीब सा हो जाता है, इसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी सीरम ले लो। ये स्ट्रिक्स का सीरम है, हेयर सीरम। अगर आपको लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिर्फ एक पंप लिया है, इसको अच्छे से हाथों फैलाएंगे और नीचे नीचे पे अप्लाई करना है, जड़ों में नहीं अप्लाई करना है। और ऑटोमेटिकली आपके बालों का जो वॉल्यूम है एंड टेक्सचर है वो बहुत अच्छा हो जाएगा और स्मूथ रहेगा, बाल उलझेंगे नहीं। तो सीरम मैं इस तरीके से अप्लाई कर लेती हूँ बालों में। लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो आप जाके ले सकते हो अगर आपको चाहिए तो। और प्रोडक्ट बाय पे भी क्लिक करके आप प्रोडक्ट ले सकते हो। ओके, तो इस तरीके से मैंने बालों में सीरम अप्लाई किया। अब मैं हेयर स्टाइल स्टार्ट करूंगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। सेकंड चैनल पे मैं अपनी ब्लॉग वीडियोज अपलोड करती रहती हूँ। सेकंड चैनल का नाम प्रीत तिवारी है, इंस्टा आईडी प्रीत तिवारी 24 है। सारी चीजों का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इजिली मेरे लेटेस्ट वीडियो, वेबसाइट और सेकंड चैनल, इंस्टा आईडी सबका लिंक देख सकते हो। और जो भी प्रोडक्ट मैं बताती हूँ उन सबका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हेयर स्टाइल है वो मैं साइड पार्टीशन से करूंगी। आज का जो हेयर स्टाइल है वो आप बॉबी क्लिप की मदद से कर सकते हो। तो ये चार बॉबी क्लिप्स मैंने लिए हैं। ओके, इन्हीं की मदद से मैं आज सारे हेयर स्टाइल करके आपको दिखाने वाली हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस तरीके से बालों को कॉम कर लिया मैंने एंड अपर डायरेक्शन में कॉम करेंगे बालों को। क्राउन एरिया से इस तरीके से हेयर को उठाएंगे। अगेन कॉम करेंगे। ओके, हल्का सा ट्विस्ट करेंगे बैक साइड से इस तरीके से और आगे की तरफ पुल करेंगे जिससे कि पफ हमारा इजीली बन जाए। और आपको दो बॉबी क्लिप तो इस तरीके से लगा देना है। जब भी बॉबी क्लिप्स लगाते हो उसको इस तरीके से क्रॉस कर दीजिए ताकि जो आपका हेयर स्टाइल है वो अपनी जगह से हिले नहीं और आपका जो हेयर स्टाइल है वो खराब भी ना हो। ओके, अब आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे साइड पार्टीशन कर रही हूँ। आपको बीच का रखना होगा तो आप बीच का भी रख सकते हो। साइड पार्टीशन करके एक साइड के हेयर को लेंगे और सिंपली कॉम करके बैक साइड में लेके जाऊंगी और ये जो हमारा क्लिप है उसके ऊपर ही एक क्लिप और लगा देंगे। ओके, अब इस साइड के हेयर को क्या करना है, थोड़ा सा पतला सा सेक्शन लेंगे बालों का इतना और सिंपली थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और चोटी बना लेंगे, सिंपल चोटी जो होती है। चोटी को एंड तक गूंथ लेंगे। इस तरीके से गूंथते जाएंगे। गूंथने के बाद क्योंकि हमारी बहुत पतली हो चुकी है चोटी तो इस तरीके से खींच लेंगे जिससे कि थोड़ा वॉल्यूम आ जाए। नीचे नीचे से खींचा है क्योंकि ऊपर थोड़ा सही है तो इस तरीके से रखेंगे।
इसको साइड में छोड़ देंगे। अब यहाँ से हेयर को उठाएंगे, कॉम करेंगे, सिंपली बैक साइड में लेके जाएंगे और जहां पे हमारी क्लिप लगी हुई है वहीं पे, और ये जो हमने चोटी बनाई थी उसको भी ले लेंगे साथ में। ओके, और इसको भी बॉबी क्लिप से सिक्योर कर देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गया, है ना, बहुत प्यारा एंड इजी था। वाह, मुझे तो अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और फाइनल लुक जो है कुछ इस तरीके का आएगा। इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव और खूबसूरत दिखाने के लिए आपको सिंपली यहाँ से बालों को लेना है, ट्विस्ट करने हैं, ट्विस्ट करके जो हमारा क्लिप है बस उसके चारों तरफ इस तरीके से लपेट देना है, और एंड पार्ट पे एक यू पिन से इसको सिक्योर कर लेना है। तो थोड़ा सा और अट्रैक्टिव लगेगा ये हेयर स्टाइल। तो कुछ इस तरीके का लुक आ जाएगा। आप चाहो तो एक यू पिन और लगा सकते हो जिससे कि आपका हेयर स्टाइल जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे और बिगड़े नहीं। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल, छोटे बालों में बना सकते हो, शोल्डर लेंथ है तो भी बना सकते हो, और काफी इजी है, कोई भी इसको ट्राई कर सकता है। एंड सेल्फ बना लोगे तो और भी ज्यादा अच्छा लगता है। चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। सेकेंड हेयर स्टाइल में क्या करना है, सेकेंड हेयर स्टाइल में अगर आपके बाल छोटे हैं तो एक साइड से आप इस तरीके से ओपन रख लो और एक साइड में आपको कुछ इस तरीके से हेयर स्टाइल बनाना है। थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और चोटी बनाना स्टार्ट करेंगे। और जब आप चोटी बना रहे हो तो यहाँ से इस तरीके से हेयर को लेके जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे ऊपर वाले डायरेक्शन के साथ, ऊपर वाले चोटी के साथ। और जब भी ये मिक्स कर रहे हो तो ध्यान दीजिएगा ये लाइन प्रॉपर होनी चाहिए। ओके, इस तरीके से बना के और थोड़ा सा इसको लंबा चोटी घीच लेंगे। इस तरीके से घूटने के वास्ते पीछे के हेयर को हटा देंगे और इसको ऐसे रखेंगे और बॉबी क्लिप से सिक्योर कर देंगे। सिक्योर करके क्लिप को हाइड कर देंगे और दैट्स इट। ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल हो गया। आप चाहो तो एक लेयर और ऐसा ही बना सकते हो, यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ। बहुत प्यारा लगता है, बहुत स्टाइलिश लगता है, साड़ी पे सूट पे भी बना सकते हो एंड जींस टॉप पे भी बना सकते हो आप हेयर स्टाइल। उसी क्लिप के ऊपर रखेंगे और एक और क्लिप लगा देंगे और हेयर क्लिप्स को हाइड कर देंगे। तो ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल हो गया जो कि बहुत प्यारा लगेगा। आपके बाल यहाँ तक भी हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, तो भी आप इजीली वाला हेयर स्टाइल बना सकते हो। एक साइड से आपका लुक कुछ इस तरीके का आएगा जो कि काफी स्टाइलिश और यूनिक लगता है और अट्रैक्टिव लगता है। तो ये हमारा हो गया सेकेंड हेयर स्टाइल। चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। थर्ड हेयर स्टाइल में हम लोग साइड पार्टीशन ही रखेंगे। उसके लिए आपको यहाँ से इस तरीके से हेयर को लेना है और इस साइड के हेयर को इस तरीके से सेट कर देंगे और पीछे से आपको यहाँ से हेयर को उठाना है। थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और सिंपल जैसे हम लोग चोटी बनाते हैं
वैसे यहाँ पे बनाएंगे और साथ साथ में लेयर्स को अटैच करते जाएंगे। ईयर तक के हेयर को इसी तरीके से छोटी बना लेंगे। थोड़ा लंबा गूंथ लेंगे और बैक में यहाँ पे सिक्योर कर देंगे। आपको मेरे चैनल पे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव एंड खूबसूरत हेयर स्टाइल की वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आप नए हो तो प्लीज चेक कीजिए, और आप पुराने हो तो आपको पता ही होगा कि कैसे मैं हेयर स्टाइल बनाती हूँ। अब आप फ्रंट के हेयर को ऐसे लेंगे और सिंपली ट्विस्ट करेंगे बिल्कुल फ्लैट लुक करते हुए, और उसी क्लिप के ऊपर लेके जाएंगे और एक क्लिप और लगा देंगे। और ये हेयर स्टाइल भी काफी प्यारा लगता है, काफी अट्रैक्टिव लगता है। आप अपनी पार्टी शादी के लिए इसको बना सकते हो, छोटे बालों में बेस्ट रहेगा। अरे यार,